नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जिस तरह से आई है प्रधानमंत्री जी, 36 साल के बाद, 36 इयर्स के बाद एक ऐसी पॉलिसी आई है जो वाकई में डिमांड थी जिसकी और ख़ासकर अर्जेंसी थी। आज मेरे साथ मेरे इस संबोधन में हमारे इंद्रजीत समयाल जी, जो मेरे को कन्वीनर है इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, और ख़ासकर यहाँ पर जो जम्मू कश्मीर के अंदर जो विद्या भारती द्वारा हमारे कॉम्पिटिशन चल रहे हैं उसके अंदर किस तरह से हमने ज़िला वाइज और बूथ लेवल तक जाना है। हमारे साथ हमारे प्रदीप जी भी हैं। मैं आप सबका इस माध्यम पे स्वागत भी करती हूँ, और ख़ासकर जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर थोड़ा सा ब्रीफ पहले करेंगे कि बेसिकली ये है क्या। ये एक 36 इयर्स के बाद जो है एक ऐसी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है जो हमारे हिंदुस्तान की बात करती है, जो रूट्स की बात करती है, और जब 21वीं सदी के लिए हम जो अपनी नेक्स्ट जनरेशन है उसको कैसे तैयार करके भेजते हैं उसके ऊपर बात करती है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर जो बिंदु मात बिंदु है वो है कि जो शिक्षा हुई है वो शिक्षा में गुणवत्ता कैसे बढ़े, उस शिक्षा में ज्ञान आधारित शिक्षा हो, वो सबको सबको लेकर चले, हर एक का विकास हो, हर एक की वो हो। पहले राइट टू एजुकेशन एक्ट जो था वो 6 साल से लेकर 14 साल तक था, लेकिन इसमें राइट टू एजुकेशन एक्ट 3 साल से शुरू हो गया हुआ है। आपने देखा होगा कि पहले प्रोविजन था कि 10+2 का प्रोविजन था, अब इसकी नई एजुकेशन पॉलिसी के अंदर अब हमने 5+3+3:4 का है। तो यानी कि आपकी जो फॉर्मल स्कूलिंग है वो आपके आंगनवाड़ी सेंटर्स के अंदर नर्सरी के द्वारा या ऑप्शनल है कि स्कूल के अंदर चल सकती है, और उसके ऊपर जो है मेन फोकस जो किया गया है इस एजुकेशन पॉलिसी के अंदर है कि मेन फोकस जो है वो है कि चाइल्ड एजुकेशन को किस तरह से हमने जो उसकी बेस है, जो उसका मॉरल है, उसको हम कैसे क्रिएटिविटी की तरह बना पाएँ, उसको क्रिएट कर पाएँ, और ख़ास कर जो है उसका बर्डन लेस कर पाएँ। हम लोग देखते हैं हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं वो बैग्स लेकर स्कूलों में जाते हैं, तो क्रिएटिविटी कैसे हो उसके अंदर, उसके अंदर टैलेंट कैसे उभर के आए। हर बच्चे का एक निजी टैलेंट होता है, और ख़ासकर मातृभाषा जो अब इंट्रोड्यूस हुई है कि आपकी मातृभाषा के अंदर हम हर हिंदुस्तानी जो अपनी अपनी लैंग्वेजेस में बात करते हैं, तो जो अपने घर में जो भाषा यूज़ होती है उसी भाषा के अंदर अगर फॉर्मल जो दिया जाएगा, अगर उसको फॉर्मली उसको किया जाएगा, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उस बच्चे का जो मानसिकता हो कि उसकी डेवलपमेंट होगी वो इस तरह से होगी कि वो कभी भी किसी भी चीज़ के अंदर ख़त्म नहीं होगा। मुझे लगता है कि जो उसकी इंटेलिजेंस है वो छोटे ही सालों के अंदर, जो 3 साल 5 साल के अंदर, 6 साल के अंदर बच्चा जितना ग्रास्प करता है मेमोरी को, उसके ऊपर एम्फोसिस दिया गया है कि हम उसको कैसे उसका बर्डन लेस कर पाएँ, उसको अपनी लोकल लैंग्वेज में बात करवा पाएँ, और उसको और इसकी खूबसूरती, एक बहुत खूबसूरती ये है कि इस पर टीचर के ऊपर बहुत एम्फोसिस किया गया है कि जो अर्ली एज की स्कूलिंग है उसके अंदर जो टीचर्स होंगे उसके ऊपर हम पहले हम लगाते थे कि आप कोई भी आप कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स लगा लो या लेस एजुकेटेड टीचर्स लगा लो, लेकिन इसके ऊपर एम्फोसिस दिया गया है कि टीचर्स की ट्रेनिंग होगी, एक फॉर्मल ट्रेनिंग होगी, एक फॉर्मल तरीके से वो एक टीचर बन पाएगी, और कहीं ना कहीं इस चीज़ को जो है आधारित किया गया है। शिक्षा जो है वो भारत को दर्शाता हुआ लेके गया है कि भारत हमारी जो पिछली वाली पॉलिसीज थी उसके अंदर भारत की शिक्षा नीति तो थी, लेकिन भारत उसमें से कहीं ना कहीं गायब था। आज जो है भारत को लेकर जो है उसको शिक्षा नीति बनाई गई है, और इसके माध्यम से हमारी जो जितनी भी लैंग्वेजेस हैं वो डेवलप हों, हम अपने रीजनल लैंग्वेजेस के साथ जुड़ पाएँ, हम अपने लोगों के साथ जुड़ पाएँ, और 21वीं सदी के लिए जो है हमारा यूथ जो है वो तैयार हो, इस तरह से जो है एक जो है एजुकेशन पॉलिसी बनाई गई है। मुझे लगता है कि इनोवेशन्स इसके अंदर इतनी ज़्यादा हुई हैं अब हमारा, और सबसे खूबसूरत ही बात है कि प्रधानमंत्री जी ने जब इसके ऊपर संबोधन दिया अपना, तो उन्होंने ये कहा कि हम बच्चों को यहाँ पे हिंदुस्तान को नया हिंदुस्तान डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, वो हिंदुस्तान जो वाकई में बसता है गाँव के अंदर, जो वाकई में बसता है कस्बों के अंदर, कस्बों के अंदर। अगर हमने देखा है इस एजुकेशन पॉलिसी के अंदर तो इसके अंदर सबका साथ और सबका विकास लेकर है, महिला को महिलाओं के लिए किस तरह से प्रावधान हो, किस तरह से आदिवासी लोग जो हैं, किस तरह से ट्राइबल लोगों को इंडक्ट किया जाए, किस तरह से जो स्कूलों को बिल्डिंग्स जो है, जो अनयूटिलाइज बिल्डिंग्स हैं उनको किस तरह से पुल अप किया जाए, पुल अप करने के बाद किस तरह से एक समावेश किया जाए, और सबसे बड़ी खूबसूरती इसके अंदर है कि GDP का जो है प्रावधान है उसका 6% जो है एजुकेशन पे लगता है। पहले 4 पॉइंट कुछ लगता था, कभी लगता था, कभी नहीं लगता था, कभी उससे नीचे लगता था, लेकिन अब जो है उसका GDP का 6% लगेगा।